नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं आपको कलश स्थापना कैसे की जाती है वो बताने वाली हूँ, और इसका जो तरीका है बहुत ही आसान है। घर में कोई भी शुभ कार्य होता है या नवरात्रि होती है तो हम कलश की स्थापना करते हैं। तो आज जो मैंने ये तरीका बताया है, तो जिसे नहीं आता है कलश स्थापना करना, मेरे इस तरीके से कलश स्थापना कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने कलश स्थापना की है। तो ये देखिए, कलश स्थापना के लिए सबसे पहले मैं नारियल को तैयार कर लूंगी, इस पे स्वास्तिक बना लूंगी। तो ये देखिए, बढ़िया मैंने पानी वाला नारियल लिया हुआ है, अच्छा पानी भरा हुआ है इसमें, और अच्छा बड़ा नारियल भी है ये। जब भी नारियल लें तो अच्छी तरह से देख लें कि कहीं से क्रैक तो नहीं है इसमें, से जो नारियल का पानी निकल तो नहीं रहा। ये बढ़िया नारियल लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पर ये मैंने कुंकू लिया हुआ है, और इसमें मैं ये पानी थोड़ा सा डाल करके थोड़ा सा गीला कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इससे स्वास्तिक बना लेंगे नारियल पर। तो ये देखिए, इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। ये देखिए, कितना सुंदर दिखने लगा है, जैसे स्वास्तिक बनने लगा है। तो इस तरह से स्वास्तिक चाहे तो आप एक बना सकते हो, मैं सभी तरफ, जैसे ये देखिए इसमें स्पेस होता है तो सब तरफ बन जाता है, तो देखने में भी सुंदर लगता है। तो मैं सब तरफ बना दूंगी। ये देखिए, इस तरह से कितना सुंदर दिखने लगा है, स्वास्तिक बन गया है। तो ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो इसी तरह मैं सभी तरफ बना लूंगी। तो पहले इसको मैंने इसलिए तैयार कर लिया है कि अभी गीला है, सूख जाए, इसलिए फिर बाकी की तैयारियां करेंगे। ये देखिए, कोशिश करें कि सब तरफ एक जैसे आ जाए। ये देखिए, तो ये देखिए नारियल में मैंने सभी तरफ स्वास्तिक बना दिया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही सुंदर हमारा ये नारियल सज गया है। और आपको ये भी बता दूं, जैसे आपको पता ही होगा कि हमें अनामिका उंगली से ही स्वास्तिक बनाना चाहिए। जब भी आप भगवान को तिलक लगाते हैं या स्वास्तिक बनाते हैं तो इसी उंगली का यूज़ करना चाहिए। इस उंगली, फर्स्ट वाली उंगली का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे ही शुभ कार्य किए जाते हैं। तो अब अगली प्रोसेस करते हैं, तब तक के हमारा ये स्वास्तिक जो बनाया है अभी गीला है तो ये भी सूख जाएगा। तो अब शुरू करते हैं कलश स्थापना। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, मैंने वीडियो के लिए ली हुई है। वैसे वैसे तो चौकी पे, चौरंग पे कलश को रखा जाता है, ऐसे नीचे नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्टील की ये प्लेट ली हुई है। तो सबसे पहले अब हम जैसे चावल भी रखे जाते हैं, गेहूं भी रखे जाते हैं, आप किसी भी अनाज से पहले जो कलश के आजू बाजू चावल या गेहूं रखा जाता है, तो मैं चावल का यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं चावल रखूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए, मैं बीच में चावल डालूंगी और इसे गोल कर लेंगे। जितना बड़ा, मतलब हमारा जो, आप चाहे तो मिट्टी का कलश आता है, मिट्टी का ले रहे हो या फिर तांबे का ले रहे हो, उस हिसाब से यहाँ उसका जितना एरिया है उस हिसाब से आप फैला लीजिए। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, आप लोटे को रख के भी देख सकते हैं। ये देखिए, चाहे तो आप सिर्फ गोल भी कर सकते हो सजाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसे सजाऊंगी। तो ये देखिए, अब सब तरफ मैं इस तरह से थोड़े थोड़े चावल डालूंगी। तो ये देखिए, पहले मैंने एक गोला बनाया और चार तरफ मैंने इस तरह से गोल और डाल दिया है। अब बीच वाले हिस्से में इस तरह के, और नाप ठीक से आ जाता है। ये देखिए, इस तरह से। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप साबुत चावल लें, छोटा टुकड़ा वगैरह ना लें, साबुत चावल लें। अगर आप गेहूं का यूज करते हो तो आप गेहूं भी ले सकते हो। ये देखिए, इस तरह से सब तरफ बराबर मात्रा में डाल देंगे तो बढ़िया फूल हमारा ये बनेगा, अष्टकमल की तरह ये। ये देखिए, सब तरफ मैं डाल दूंगी।
तो ये देखिए सब तरफ मैंने डाल दिए हैं बराबर चावल, और बीच का हिस्सा गोल कर लेंगे हम। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये बीच बीच में ये जो चावल डाले हैं इसको हम फूल की आकृति देंगे। तो आप गोल भी बना सकते हो, ये इस तरह से शेप भी दे सकते हो। ये देखिए इस तरह से सिंपल इस तरह से गोल कर दीजिए, कितना सुंदर दिखने लगता है ये देखिए। तो ये देखिए इस तरह से गोल बना दिया मैंने। आप जैसे चौकी पे चौराहे पे बना रहे हैं तो इस तरह से, ये इस तरह से लंबा भी कर सकते हो और सुंदर इस तरह से बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना बढ़िया शेप आ जाता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। हमारा जो कलश स्थापना होगी बहुत ही सुंदर कलश दिखेगा। ये देखिए कितना सुंदर दिखने लगा है ये। तो ये हमारा तैयार हो गया है अभी। तो ये देखिए हमने चावल का ये थाली तैयार कर दी है। तो अब हम कलश को तैयार कर देंगे। ये देखिए कलश है ये मेरा, और इस पे ही आराम से आ जाएगा। तो अब मैं इसे साइड में करती हूँ और अब मैं कलश में स्वास्तिक बना लूंगी। तो अब मैं कलश में स्वास्तिक बना लेती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर दिखने लगा स्वास्तिक बनने से कलश। ये देखिए तो ये देखिए मैंने लोटे में ये कलश में स्वास्तिक बना दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कलश में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। और यहाँ पे जो कलश के कंठ में यह मौली हम बांधेंगे, और कलश के अंदर जैसे हम खाली नहीं रखते तो जिस तरह से हम रखते हैं वह मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ, इसमें हल्दी कुंकू अक्षत जाएगा थोड़ा थोड़ा, मतलब जल जो हम भरेंगे तो उसमें डालेंगे हल्दी कुंकू अक्षत। और ये जो साबुत जो सुपारी होती है वो डालेंगे, इसे भी शुभ माना जाता है। और एक हल्दी की गांठ डालेंगे और सिक्का डालेंगे, और इसमें एक नींबू डालेंगे, ये फल मतलब डाला जाता है ताकि कलश खाली ना रहे। अब मैं यहाँ पे कलश में मौली बांधूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं 5 बार लपेटूंगी। तो ये देखिए मैंने ये जो एक हिस्सा ऐसे पकड़ के रखा हुआ है और इस तरह से इसे घुमाती जाऊंगी। ये जैसे ये अभी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक हो गया है, ये दो, तीन, ये चार, और 5 बार मैं इसे लपेटूंगी। और उसके बाद हम गांठ नहीं बांधते हैं, सिर्फ ऐसे घुमा के यहाँ पे लपेट देते हैं। तो अब चाहे तो आप कैंची से काट लें, ये देखिए कच्चा है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए इस तरह से बस हमें हिस्से को यूं लेना है और इस तरह से लपेट देना है। चाहे तो आप घुमा के इस तरह से अंदर भी कर सकते हो कि ताकि धागा बाहर नहीं आए, गांठ हम नहीं लगाते। तो ये देखिए इस तरह से ये कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए ये तैयार हो गया हमारा ये कलश। और ये देखिए जो नारियल में स्वास्तिक बनाया था ये भी अब सूख गया है। तो अब मैं इसमें भी मौली बांध दूंगी। तो इसको भी मैं 5 बार लपेटूंगी। ये देखिए इस तरह से, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। और इस तरह से जैसे धागा इस तरह से हम गांठ ना बांध के इस तरह से घुमा देंगे। ये देखिए तो ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हो गया है। तो ये देखिए नारियल में मैंने इस तरह से 5 बार मौली को लपेट दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, सब तरफ एक जैसा हो चुका है ये। तो अब आगे की तैयारी करते हैं। तो अब करते हैं हम कलश की स्थापना। तो ये देखिए हमने जो चावल से थाली सजाई थी वो मैंने ले ली है। तो अब मैं इसके ऊपर हल्दी कुंकू, यहाँ पर सबसे पहले हल्दी और थोड़ा सा कुंकू यहाँ पर चढ़ा दूंगी, और सभी फूलों में भी यहाँ पर हल्का हल्का सा लगा देंगे। ये देखिए ये देखिए कितना सुंदर दिखने लगा है।
ये देखिए। और हमने जो ये कलश तैयार किया हुआ है अब इसको रख देंगे यहाँ पर, और अब हम इसमें जल भरेंगे, और जल में भी गंगा जल डाला हुआ है। तो आप पानी पूरा ऊपर तक ना भरें, क्योंकि हमें अभी इसमें नारियल भी रखना है। तो अगर नारियल काफ़ी हैवी होगा तो पानी अगर आप ऊपर तक भरोगे तो बाहर पानी आ जाएगा। तो अब हम पहले देख लेंगे, देखिए थोड़ा कम ही रखा है मैंने। अब हम इसमें जल भरने के बाद में हल्दी डालेंगे इस तरह से, ये देखिए। और इस तरह से यहाँ भी लगा देंगे हल्दी 5 जगह, और यहाँ पर कुमकुम डालेंगे, और यहाँ भी लगा देंगे ऐसे, और अक्षत डालेंगे ये देखिए। और अक्षत सफ़ेद नहीं होने चाहिए कभी भी, पीले किए हुए ये देख सकते हो। अक्षत डाल देंगे, हल्दी की गांठ डाल देंगे, सिक्का डाल देंगे जिसे द्रव्य बोलते हैं, जैसे पूजा पाठ इस भाषा में हम बोलते हैं, और ये सुपारी डाल देंगे। तो सुपारी को भी पहले मैं हल्दी कुमकुम लगा दूंगी, ये देखिए इस तरह से ये। और ये नींबू डाल देंगे, ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और अब मैं इसमें ये आम के पत्ते लिए हुए हैं, तो मैंने 5 पत्ते लिए हुए। आप 5-7 जो शुभ अंक होता है आप उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो 5 पत्ते मैं रख रही हूँ, तो इस पे भी मैं हल्दी कुमकुम लगा दूंगी, ये देखिए इस तरह से, और रखते जाऊंगी। तो ये देखिए 5 पत्ते मैंने इस तरह से रख दिए हैं, और अभी इस तरह से मैंने ये देखिए अरेंज कर दिए हैं। और अब जो हमने नारियल लिया है ये देखिए, तो ये जो जटा वाला भाग होता है ये ऊपर जिसमें आंखें होती है, वो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ये देखिए, तो ये ऊपर रखेंगे हम, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद अगर पत्ते थोड़े से अगर इधर उधर हो गए तो उसको भी अच्छे से आप अरेंज कर दीजिए सब तरफ, ताकि बराबर आ जाए पत्ते भी, ये देखिए देखने में खूबसूरत लगे हमारा ये कलश। तो ये देखिए कलश स्थापना हो चुकी है, और मैंने इसमें गेंदे का फूल भी चढ़ा दिया है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये कलश स्थापना, मैंने अपने तरीके से बताई है। अगर आपके यहाँ जैसे होती है आप उस तरह से कर सकते हो, मैंने आपको एक तरीका बताया है कि किस तरह से नवरात्रि में या कोई भी शुभ कार्य में आप इस तरह से कलश की स्थापना कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे कलश स्थापना का वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये कलश स्थापना कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।